चलिए जल्दी से। हाँ, जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ वैसे वैसे मुझे जो है मैम वहां ना बॉयज को जो है उधर थर्ड वाली रो उनको माइक पकड़ा दो ताकि वो फटाफट से रोटेट कर लेंगे। चलो बेटा आगे आगे करते जाना, राइट। जल्दी से बोलो बेटा, फटाफट से। ब्रीदिंग, फिजिकल की केमिकल फिनोमिना, ये रीकैप है पहले दो लेक्चर्स का खड़े होकर। मैम फिजिकल, यस इट इज ए फिजिकल फिनोमिना, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ। मैम टाइमिटल, यस केमिकल फिनोमिना। नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा, सेल रेस्पिरेशन कौन सी दो टाइप्स की होती है बच्चे? मैम एनएरोबिक एंड एरोबिक। दोनों केमिकल है कि नहीं? यस बोथ आर केमिकल, वेरी गुड। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कौन सा फूड बेटा? ब्रेकडाउन ऑफ मैम फूड मैं थोड़ा सा, कॉम्प्लेक्स फूड की सिंपल फूड? कॉम्प्लेक्स डाइजेशन तो फिर डाइजेशन क्या है? मैम फूड ब्रेक डाउन ऑफ फूड मैम ब्रेकडाउन ऑफ फूड कौन सा कॉम्प्लेक्स की सिंपल? सिंपल। नहीं बेटा, जो हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है। हमारी बॉडी में जाके डाइजेशन में वो टूटता है सिंपल फूड में, और सेल्स में जाके सिंपल फूड टूटता है आगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके बेटा, समझ में आई? दोबारा यस से बताओ, ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कौन सा फूड बचे? सिंपल नहीं, अभी पहले ठीक बोला था, क्या है? सिंपल सिंपल फूड, वेरी गुड। घबराना नहीं है बेटा, सिंपल फूड। और किस में टूटता है बेटा, जल्दी से बोलो। ब्रेक होता है ब्रेक होके रेस्पिरेशन में क्या बनता है बच्चे? ग्लूकोस। ग्लूकोज तो सिंपल फूड है ना, ग्लूकोज तो टूटता है, वो किस में टूटता है? एनर्जी एनर्जी में। और क्या निकलता है आपके? एनर्जी प्लस वाटर वाटर प्लस, का CO2 कार्बन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बैठो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट बोलो। मैम हाँ यस जी, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक? मैम एक्सोथर्मिक वेरी गुड, एक्सोथर्मिक मींस लिबरेट्स एनर्जी। नेक्स्ट, मैम इनवॉलंटरी वेरी गुड, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट रिचर्डसन के, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट मैम बेटा, ये यस तीन जार्स लिए, ड्राई सीड्स, मॉइस्ट मतलब गीले दाने हैं, और बॉइल्ड सीड्स है, इसमें टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। थर्मामीटर रख दिया हमने तीनों का। मैम B1 बी में चेंज नहीं होगा, मैंने कहा है किसमें चेंज नहीं होगा टेम्परेचर? मैम ए ए ए में चेंज नहीं होगा मतलब नो टेम्परेचर चेंज। बी में चेंज होगा कि नहीं होगा? मैम नो बी में भी नहीं चेंज होगा। अच्छा चलो, और सी में? मैम यस नहीं, बॉइलिंग बेटे, ठंडे कर दिए। बॉइल्ड का मतलब ये नहीं है कि उबलते चने रखे हैं, उनको ओके ठंडा कर दिया थोड़े टाइम बाद, 2 दिन ओके बाद। मैम नो नो, तो किसी में नहीं चेंज होगा टेम्परेचर? मैम ए सूखे बी चनों में चेंज हो जाएगा? मैम बी में होएगा बी में होगा। क्यों होगा बेटा, बी में क्यों होगा चेंज? मैम डिले हो जाए डिले मोस्ट गीले, मॉइस्ट तो है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नेक्स्ट स्टूडेंट मैम को दो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये लिविंग रेस्पिरेशन सीड्स है, इसका एम्ब्रियो रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें चेंज होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों टेम्परेचर बढ़ेगा? बिकॉज रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वेरी गुड। बैठो, नेक्स्ट को दो। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, जो ब्रेन है वो इनहेल करने का सिग्नल कब लेता है? जब उसको क्या पता चलता है कि CO2 इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, CO2 ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है कि CO2 डिक्रीज हो रहा हमें ऑप्शन है? ए ऑप्शन, इंक्रीज इन CO2, वेरी गुड वेरी गुड।
तो बड़े अच्छे आप बच्चे बन गए। इधर दो अपने फर्स्ट बेंच पे माइक दो। वेरी गुड बेटा, जल्दी से बताओ, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम हवा अंदर लेते हैं, तो चेस्ट कैविटी फूलती है कि सिकुड़ती है? फूलती फूलती है। है। नेक्स्ट को दो, डायफ्राम नीचे जाएगा कि ऊपर होगा? मैं नीचे। नीचे जाएगा, मूव्स डाउन। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, रिब केज बाहर अपवर्ड्स, को आएगी कि अंदर को जाएगी? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स। एंड नेक्स्ट बताओ, अपवर्ड्स के डाउनवर्ड्स? रिब केज अपवर्ड्स के डाउनवर्ड्स? एक तो अपवर्ड, आउटवर्ड्स एंड, अपवर्ड। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस के डिक्रीजेस? इंक्रीजेस, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रेशर इंक्रीजेस के डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, यस, नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन 5 मिनट्स हम क्या सिक्सटी, करेंगे? हम सिक्सटी सिक्सटी 12 into 5, 1 फाइव। मिनट में 12 है। वेरी गुड। into 5 मिनट्स इट इज 60 टाइम्स। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, यस, ए क्या है? इनहेलेशन की एक्सहेलेशन? ऊपर की तरफ एक्सेले, देखो, वॉल्यूम ऑफ लंग्स है, ऊपर की तरफ है, बढ़ रहा है। मम्मी इनहेलेशन। इनहेलेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये वाला बी क्या है? एक्सेलेशन। एक्सेलेशन। बिल्कुल ठीक है। और सी मैं बता देती हूँ बेटा, ये ज्यादा बढ़ रहा है। ज्यादा बढ़ना में क्या है? डीप इनहेलेशन। ओके, जब हम जोर से सांस लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। वेरी गुड। अब माइक मैम को दे दो। चलिए जी, अब हम बात करते हैं। कैन यू सी दीज ग्लासेस? ठीक है मैम, गर्ल्स में से किसी को माइक दे दो। हाँ जी बेटा, कितने ग्लासेस नजर आ रहे हैं आपको? 3 ग्लासेस नजर आ रहे हैं। इसमें अभी मैंने पानी नहीं भरा हुआ, बट हम पानी भर देंगे। 3 फुल ऑफ ग्लासेस। एंड इमेजिन दैट एयर इज एक्सचेंज्ड इन ग्लासेस में से। ये तो चलो स्टील के ग्लासेस है, बट हम सोच लेते हैं कि इसमें से ऑक्सीजन अंदर जा रही है। कहाँ से जाएगी? इस सरफेस में से जाएगी, इसमें से जाएगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, और यहां से। ये सरफेसेस है। इज इट ओके गर्ल्स? बेटे सब आंसर दो, वो लड़की आप सबके बिहाफ पे आंसर देगी। यस और नो? यस, ठीक है, दिस इज सरफेस एक्स। ये सारा जो है ना, वो एक्स सरफेस है। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा? देखो, ये एक्स है, दिस इज एक्स सरफेस, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ठीक है, तीन। ये जो सीधे सिलेंड्रिकल है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अब हमने इसको, आप ये सोचो कि ये पूरा था, अब हमने इसको तोड़ दिया, छोटे पार्ट्स में कर दिया। क्या अब सरफेस बढ़ा है कि सेम है? हाँ जी बेटा, जिसके पास माइक है वो बताए। क्या मैम कोई सरफेस ऐड हुआ है? नो, एनीबडी हु सेज कि सरफेस ऐड हुआ है? देख के देखो, ये था पहले, पहले ये था, यहां से ये सरफेस था, जहां से एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का, ये था और ये था, यहां से ऑक्सीजन अंदर जा रही थी। जब हमने इसको अलग छोटा किया, तो क्या सरफेस ऑफ एक्सचेंज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एनी स्टूडेंट विच हैज डिफरेंट आंसर? हाँ जी, एनीवन रेज योर हैंड्स। बेटा देखो, इधर देखो, बॉयज उधर मत देखो, इधर देखो। क्या ये सरफेस ऐड नहीं हुआ? पहले यहां पे था, वो हमें सरफेस नजर ही नहीं आ रहा था। ये था, यहां से हवा अंदर जा रही थी, यहां से जा रही थी, यहां से जा रही थी। जब हमने इसको तोड़ा, तो ये सरफेस ऐड हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? मैम यस, तो सरफेस बढ़ा?
मैम यस वॉल्यूम सेम है कि नहीं? मैम वॉल्यूम तो नो सेम ही है, तीन ग्लासेस की, इसमें पानी भरा, इसमें भरा और इसमें भरा, सेम ही, इसको हमने अलग कर दिया, वॉल्यूम सेम रही, ठीक मैम यस है। अब हमने इसको भी अलग कर दिया, क्या सरफेस बढ़ा? और मैम यस ठीक है, अब कितना सरफेस हो गया? देखो ये भी बढ़ रहा है, ऊपर वाला भी, और ये भी बढ़ रहा है कि नहीं? मैम यस एवरीबडी एग्रीज? जो जो एग्री मैम करता है यस वो मुझे हाथ खड़ा करो जल्दी से। वेरी गुड। तो अब कोई सी भी चीज, कोई सी भी चीज, लेट अस से ये पेपर है, ठीक है, मैं ये तो नहीं लेती, ये तो मेरे मतलब का है। लेट अस से ये पेपर है, इसकी ये साइड, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये और ये। अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले ये था, अब जब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये और ये सरफेस इंक्रीज हो गया, पहले नहीं था ये सरफेस। जब हमने दो में डिवाइड कर दिया तो सरफेस इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? यस और नो? जो मानते हैं कि सरफेस इंक्रीज हुए, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब है कि हम कोई भी चीज लें, अगर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो वॉल्यूम तो सेम है, बट व्हाट इज इंक्रीज? सरफेस इज इंक्रीज्ड। यस। चलिए, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर लंग्स। दिस इज विंड पाइप, इट डिवाइड्स इन टू टू ब्रोंकाई, ये हमारे लंग्स है, राइट लंग, लेफ्ट लंग। दिस डिवाइड्स इन टू मैनी ब्रांचेस, विच फर्दर डिवाइड्स इन टू मैनी ब्रांचेस, एंड फाइनली, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, एंड फाइनली देयर आर स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। बहुत सारे। अब हम एक चीज और इमेजिन करते हैं कि ये डिवीजन्स ना होके ये ब्रोंकाई अंदर जाती और एक बड़ी सी एल्वियोलाई होती। यहां पे मिलियंस, यहां पे छोटी छोटी है ना, चाहे ये जो बड़ी एल्वियोलाई थी, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल 1 मिलियन। एक मिनट बेटा, वन मिनट। तो अभी ये ऑन होता है, इतनी देर हम देखते हैं कि देयर आर अबाउट 1 मिलियन एल्वियोलाई, और हम इमेजिन करते कि एक ही एल्वियोलाई, बड़ी सी एल्वियोलाई होती, और दूसरी तरफ है वो बड़ी एल्वियोलाई छोटी एल्वियोलाई में टूट गई। ठीक है, क्या ज्यादा ठीक है? यस बेटा, माइक अगली गर्ल को दो और मुझे बताओ कि व्हाई नॉट देयर इज सिंगल एल्वियोलाई। यस, एक एल्वियोलाई क्यों नहीं है? इतनी सारी एल्वियोलाई क्यों है? हाँ जी, आई एम नॉट नो हाँ बेटा मैं बताती हूँ, एक सेकंड, मैं जरा,
एक मिनट, चलिए हम क्या, अभी हमने क्या बताया था आपको कि एक बड़ा स्ट्रक्चर लें और उसको छोटे छोटे में तोड़ें तो क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से एक सिंगल एल्वियोलाई को जब बहुत छोटी छोटी एल्वियोलाई में डिवाइड किया तो क्या इंक्रीज हुआ, सरफेस इंक्रीज सरफेस। हुआ। और जब सरफेस इंक्रीज हुआ तो सरफेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज इंक्रीज हुआ, यस और नो? यस ठीक है ना। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, लिखो क्वेश्चन लिखो, इतनी देर ये ऑन होता है बेटा। लिखिए व्हाई देयर आर सो मैनी एल्वियोलाई, व्हाई देयर आर सो मैनी एल्वियोलाई इन अवर लंग्स। तो आंसर क्या है बेटा हमारा, इट इंक्रीजेस सर्फेसेस, इट इंक्रीजेस सर्फेसेस फॉर द क्विक गैसियस एक्सचेंज, फॉर द क्विक गैसियस एक्सचेंज। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो हमारे लंग्स में क्यों इतनी सारी एल्वियोलाई होती है, ताकि एक्सचेंज क्विक हो, राइट? एक मिनट, यस। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाई देयर आर सो मेनी एल्वियोलाई मैम, बिकॉज इट इंक्रीज द सर्फेस फॉर क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फॉर क्विक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस दैट्स एब्सोल्युटली राइट। नाउ व्हाट हैपेंस टू स्मोकर्स लंग्स, स्मोकर्स के लंग्स का क्या है, वो हम बात करते हैं। चलिए पहले हम इधर बात करें। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमने कल किया था, व्हाट इज दिस? ये पता है बेटा आपको, ये क्या है? मैम, एंड पाइप। विंड पाइप, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? एंड चेस्ट बोन। चेस्ट बोन है, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट आर दीज? रिब्स केज। रिब्स, सिर्फ रिब केज नहीं, दिस इज रिब्स। हाँ जी, ये रेड सा स्ट्रक्चर, ये क्या है? नेक्स्ट स्टूडेंट, डायफ्राम। डायाफ्राम है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, दिस इज डायाफ्राम। ठीक है जी, और ये अंदर, ये पिंक से स्ट्रक्चर्स क्या है? लंग्स। दीज आर लंग्स, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये है विंड पाइप और ये इसकी ब्रांचेस, और ये क्या है, दीज आर एल्वियोलाई। बेटा एल्वियोलाई, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एल्वियोलाई? किसी को पता है? रेज योर हैंड्स।
एल्वियोलाई को बेटा हम मिनिएचर लंग्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? मिनिएचर लंग्स। बिल्कुल ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज मिनिएचर लंग्स। जिसको नहीं पता वो लिख लो, एल्वियोलाई। इसको हम एयर सैक्स भी बोलते हैं, एयर सैक्स, और दीज आर कॉल्ड एज मिनिएचर लंग्स। ठीक है जी, इनको क्या बोलते हैं, एयर सैक्स या मिनिएचर लंग्स? ये देखिए, ये है एल्वियोलाई। अगर हम इसको मैग्नीफाई करें तो दीज आर एल्वियोलाई, और जिसके ऊपर क्या है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर जाता है, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज कहां पर हो रहा है लंग्स में? एल्वियोलाई के अंदर। इज इट ओके? ठीक है, चलिए अगर हम देखें, ये देखिए, ये आपको पता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये एल्वियोलाई है। ठीक है, अगर इसको हमने ऐसे काटा जैसे हम एप्पल को काटते हैं, तो ये हमें अंदर का स्ट्रक्चर नजर आता है। ये एक हेल्दी पर्सन का एल्वियोलाई है जो रेड नजर आ रहा है, जिसकी मेम्ब्रेन थिन है और गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर हो रहा है। और ये एक स्मोकर का लंग है, जिसके अंदर, ये एक स्मोकर की एल्वियोलाई है बहुत सारी, जिसके अंदर स्मोक जम गई है। यू कैन सी दैट स्मोक इज डिपॉजिटेड इन द एल्वियोलाई। एंड वेन स्मोक गेट्स डिपॉजिटेड, देन नो गैसियस एक्सचेंज अकर। सो देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। ईच लंग हैज अबाउट 10 लाख एल्वियोलाई, एंड द पर्सन हु स्मोक्स मोर, हिज लंग्स विल बी मोर ब्लॉक्ड। हु स्मोक्स लेस, लेस ब्लॉकेज विल बी देयर। बट इट डजेंट मीन कि वी आर नॉन स्मोकर्स, अवर एल्वियोलाई आर नॉट ब्लॉक्ड। अब सम ऑफ अवर एल्वियोलाई आर ऑल्सो ब्लॉक्ड ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू डस्ट। बट स्मोकर्स एल्वियोलाई, दे आर, मेनी एल्वियोलाई आर ब्लॉक्ड इन द स्मोकर्स लंग, ड्यू टू विच लेस गैसियस एक्सचेंज विल अकर। ठीक है, आपने कभी चेन स्मोकर जो बहुत स्मोक करते हैं उनको देखा होगा, उनके नेल्स पीले होते हैं, उनके लिप्स पीले नहीं, सॉरी, ब्लू होते हैं, और उनके जो लिप्स है वो भी थोड़े थोड़े से ब्लू नजर आएंगे। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट, द सेल्स, बेटा पीछे बॉयज, इधर नो, आपस में नहीं, इधर देखो, सामने देखो, पीछे मत देखा करो, किसी को टोका तो सबने नहीं देखना है वहां पर, आप इधर। तो उनके क्या है, बिकॉज देयर ब्लड डज नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन, देयर सेल्स डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन, दैट्स वाई दे ब्रीद, देयर रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मोर, क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, इसलिए उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग, उनकी सांस देखोगे ना, ज्यादा चलती है उनकी सांस, और वो बहुत ज्यादा भाग नहीं सकते, दे आर लिथार्जिक, सुस्त रहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट गेट सफिशियंट ऑक्सीजन, राइट? सो इन स्मोकर्स और द पीपल लिविंग इन हाईली पोल्यूटेड सिटीज, देयर एल्वियोलाई गेट्स ब्लॉक्ड बाय डस्ट। वहां पे एयर को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज की जगह नहीं मिलती है। ये एल्वियोलाई थिन वॉल्ड है, और ये एल्वियोलाई, इसके अंदर इतना सारा ये डिपॉजिट हो गया, जिसके कारण यहां से तो ऑक्सीजन बड़े आराम से जा रही है, यहां से ऑक्सीजन नहीं जा पाती। इज इट राइट? सो दे हैव, तो हम क्या कहेंगे, इन स्मोकर्स देयर इज लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। एम आई राइट? ठीक है जी, सो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। तो एक चीज और मैं यही आपको समझाती हूं कि एक तो हमने स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स की बात कर ली,
ये आपने सबने अपनी कॉपीज पे भी लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, राइट डाउन, ये आपने पढ़ा नहीं होगा कहीं पे, सो लिख लो सारे, एवरीबडी। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वॉटर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वॉटर देन ऑक्सीजन। सेकेंड है, एयर हैज मोर ऑक्सीजन देन वॉटर। वॉटर में ऑक्सीजन कम होती है क्योंकि वॉटर में सॉल्युबिलिटी कम है ऑक्सीजन की। एयर हैज मोर ऑक्सीजन देन वॉटर। थर्ड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वॉटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर कम होता है, उसमें ऑक्सीजन और भी कम हो जाती है। ठीक है जी, जिस स्टूडेंट के पास माइक है बेटा, माइक है, हाँ जी बेटा खड़े हो। डू लैंड एनिमल्स ब्रीद इजीली और वाटर एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीद इजीली? लैंड एनिमल्स ब्रीद लैंड इजीली एनिमल्स बिकॉज बिकॉज़ वाटर हैव लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वाटर हैज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टूडेंट, यस मैम, रेट ऑफ ब्रीदिंग किसमें हाई होगा, लैंड एनिमल्स में कि वाटर एनिमल्स में? वाटर वाटर एनिमल्स में, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है इसलिए वो जल्दी जल्दी ब्रीद करते हैं। एवरीबडी, सबको, किसमें? एक्वेटिक एनिमल्स है हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग। बेटे जब हमें टेम्परेचर हो जाता है 102 103, तो अब तब हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस इन अवर बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं एक और चीज पूछ रही हूँ, नेक्स्ट स्टूडेंट को दो, कि अवर ब्लड जो हमारा ब्लड है बेटा, आपको पता है कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में हम बात कर लेते हैं बेटा आरबीसीज की यहाँ पे। तो मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूं, बाकी सब स्टूडेंट्स लिख लेना, कि CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, वेयर एज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। माई क्वेश्चन इज, वाई CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा? ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ना, उसी के बेसिस पे है। प्लाज्मा पता है बेटा आपको? डू यू नो प्लाज्मा? मैम, CO2 इज मोर सॉल्यूबल सोल्यूबल इन वाटर। वॉटर, क्योंकि प्लाज्मा में बेटा क्या है, वॉटर है। CO2 की सोल्युबिलिटी प्लाज्मा में बहुत है, दैट इज वाई CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। नेक्स्ट स्टूडेंट बैठो बेटा, वेरी गुड, वाई यस ऑक्सीजन इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा? मैम, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इन वॉटर, वेरी गुड, दैट्स वाई
इट इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट स्टूडेंट जल्दी से सब करते चलो आंसर मैम देखते अब्सॉर्बिंग हैं। हाँ ऑफ ओ टू मैम ए ए एब्जॉर्बिंग ओ टू फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन एयर स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। वेरी गुड। ठीक है एवरीबॉडी क्लियर कि सॉइल के बीच में एयर स्पेसेस होती है बेटा, और अगर हम बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं ना तब भी प्लांट्स मर जाते हैं क्योंकि उन एयर स्पेसेस में पानी भर जाता है। एंड वॉटर डज नॉट हैव मच ऑक्सीजन, दैट्स वाई रूट्स कैन नॉट ब्रीद एंड दैट्स वाई द प्लांट्स डाई। राइट नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी जल्दी से एलविली एल्वियोलाई। बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट। प्लाज्मा ऑफ बट हैज मोर कवर और सेल्स किसी ने नहीं बताना यही बताएगा। प्लाज्मा इज फ्लूइड पार्ट अभी तो हमने किया। CO2 इज मोर सोल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट सारी ऑप्शंस ध्यान से पढ़नी है। मैम बोथ बी एंड सी बिल्कुल ठीक है ब्लॉक्स एल्वियोलाई इसलिए रिड्यूस सरफेस एरिया इन लंग्स। वेरी गुड नेक्स्ट स्टूडेंट। यस हाँ जी ये आपने मुझे बताना है क्या असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। असर्शन वाली स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। मैं यस सर यस डिफिकल्ट ब्रीदिंग है बिल्कुल ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। मैम ये ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज लेस इन वाटर देन एयर, दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। मैं ये करेक्ट करेक्ट है और यही रीजन भी है कि भी क्यों डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, बिकॉज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है। बिल्कुल तो यस ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। मैम सही है ये सही है ये वाला। रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं बेटा ये इनकरेक्ट है। व्हाई दे आर मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स गीले गीले है, बिकॉज एयर पासेस थ्रू मॉइस्ट सरफेसेस, डैमेज के लिए नहीं, एयर पासेस थ्रू मॉइस्ट सरफेसेस। ओके इज इट राइट। ठीक है तो ऑप्शन ये सी आती है बेटा, जब असर्शन ठीक है रीजन की स्टेटमेंट गलत है। ओके आई होप इसके बाद खत्म है। यस ठीक है जी क्लियर टू एवरीबॉडी बेटा। चलिए दिस इज ऑल अबाउट। तो हम अच्छा जल्दी से आप बताओ बेटा, जब हम किसी भी चीज को छोटी चीजों में तोड़ते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है कि कम होता है। बढ़ता है बढ़ता है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। एक सेल को जब हम छोटे छोटे सेल्स में तोड़ेंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगी कि नहीं, मैम सेम रहेगी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। बट क्या उस सेल्स की जो छोटे सेल्स है बड़े सेल के कंपैरिजन में वो ज्यादा सब्सटेंसेस लेगा कि नहीं। मैम ज्यादा सब्सटेंसेस लेगा लेगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी जब वाटर की हीट पोल्यूशन होती है ना, हम गरम गरम पानी वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं नदियों में नालों में रिवर्स में पॉन्ड्स में, व्हेन ड्यू टू वाटर पोल्यूशन ड्यू टू हीट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म गेट्स किल्ड व्हाई। बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। राइट ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। यस और यस नो। अच्छा जी अब जल्दी से यस मुझे यस एक स्टूडेंट वॉलंटियरली यस कोई स्टूडेंट खड़ा होके बताए कि आज आपने नया क्या सीखा।
मैं एल्वरीज के बारे में सीखा मैम। एल्वियोलाई के बारे में सीखा। वो लास्ट में बेटा एक स्टूडेंट को उनको वो दो, जो लास्ट स्टूडेंट है उसको माइक दो। हाँ जी बेटा आप बताओ, व्हाट यू हैव। मैं सरफेस बढ़ जाता है जब वह चीज टूटती है। यस, जब हम छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करते हैं तो सरफेस बढ़ जाता है एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट। और नया क्या सीखा। मैं सॉल्युबिलिटी इन CO2 इज मोर देन O2 इन ऑक्सीजन। वाटर, बिल्कुल ठीक है, राइट। फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट गर्ल को भी माइक दो। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम इफ वी स्मोक तो गैसेस का एक्सचेंज रुक जाता है क्यों रुकता है ये भी पता चला। मैम। यस मैम, बिकॉज जब स्मोक होती है तब तब ना डस्ट डस्ट उधर उधर रह जाती है और उसके कारण गैसेस को एक्सचेंज करना मुश्किल हो जाता है। हम एक ये भी कह सकते हैं कि सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज डिक्रीजेस, राइट। मैम यस। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू फॉर द क्लास। और कल हम एक लास्ट लेक्चर लेंगे जो हम कंक्लूड करेंगे इस सब को। तो मजा आया आप सब लोगों को। चलिए मैम, मैं ना ये सिस्टम ऑन ही रखती हूँ मैम, ठीक है। आप दूसरी क्लास को बुला लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू, बाय।